नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। कर्नाटक का हिजाब कांड तो आप सभी को याद होगा, किस तरह से एक स्कूल को धर्म का अखाड़ा बना दिया गया था। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों ने मिलकर शिक्षा के मंदिर को हिंदू मुस्लिम के बीच अक्सर होने वाले विवादों का मैदान बना दिया था। किस तरह से एक मुस्लिम लड़की हिजाब को लेकर अड़ गई थी और हिंदू लड़के भगवा शाल ओढ़ कर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर कॉलेज में पढ़ाई की जगह राजनीति ने ले ली, वही कॉलेज एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। कर्नाटक की मंगलौर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है, फिर से वहां पर पढ़ाई नहीं धर्म की राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल इस यूनिवर्सिटी में प्रस्तावित भारत माता पूजा कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। कार्यक्रम आज के ही दिन होना था। इस कार्यक्रम के लिए मंगलौर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन ने जो पोस्टर जारी किया था उसको लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। पोस्टर में भारत माता को हाथ में भगवा ध्वज लिए दिखाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CFI और सोशल मीडिया डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े छात्रों ने विश्वविद्यालय कुलपति को कार्यक्रम रद्द करने के लिए ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया कि भारत माता के हाथों में तिरंगा होना चाहिए, न कि भगवा झंडा। कार्यक्रम को धार्मिक बताते हुए माहौल खराब करने की बात कही गई। बताया जा रहा है कि शिकायत को जायज मानते हुए यूनिवर्सिटी ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि कार्यक्रम के लिए बने पोस्टर में भारत माता का मानचित्र भी अपने वास्तविक रूप में नहीं है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का ये भी कहना है कि इस कार्यक्रम से चल रही कक्षाएं प्रभावित हो सकती थी। वहीं SDPI कर्नाटक के मीडिया प्रभारी रियाज कदम्बू ने कहा है कि जब कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है तो इस पूजा की अनुमति कैसे दी जा सकती है। वहीं दक्षिण कन्नड़ CFI के अध्यक्ष तजाउद्दीन ने कहा कि मैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदू संस्कृति के अनुसार भारत माता के नाम पर पूजा का आयोजन कर रहा था। हमारी मांग है कि जो लोग सरकारी कॉलेज में भगवा ध्वज के साथ भारत माता का जश्न मनाने के लिए धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से एक बार फिर कर्नाटक की ये यूनिवर्सिटी धर्म का अखाड़ा बनने जा रही थी, लेकिन कार्यक्रम को रद्द करके बचा लिया गया। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़।